गोरखपुर में मुहर्रम का ये त्योहार मनाया जा रहा चल रहा है, तो अभी आपके सामने ये ताजिया बनाया जा रहा है। तो हमारे सामने जो है गोरखपुर के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं जो ताजिया बना रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या लगता है सामान, कितनी टाइम लगती है साहब, पूरी की पूरी अपनी जानकारी दीजिए। इसमें तो समय सर 3 महीना लग गए और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाता है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुबीन। हमारे मित्र मोहम्मद। नहीं, कितने साल से ये काम कर रहे हैं, लगभग कितनी ताजिए बना लेते हैं एक सीजन में? एक सीजन में अपना पर्सनल एक ही बनाया जाता है। और रही बात काम करने का, ये मैं साथ में कुछ काम कर रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा हूँ। और इसे क्या क्या लगता है, कैसे कटिंग करते हैं, थोड़ा आप बताइए। कितनी टाइम लग जाती है पूरी बनाने में? इसमें पूरा अगर एक देखा जाए तो 6 महीने का समय लगता है, और चार चार छः छः घंटा डेली रात को या सुबह में टाइम मिलता है तो उसको बैठ के काम किया जाता है। क्योंकि अपना रोज का भी काम दिखा जाता है, दुकान का भी है। और इसमें जैसे ये नक्काशी है या फिर सिलाई वगैरह होता है, ये सब कैसे करती है? ये सब अपना परमा खींचा जाता है, उसको फिर परमा जो है डिजाइन किया जाता है, उसके बाद फिर उसको थर्माकोल से लगा के फिर उसको अपने बनाया गया उसमें काटने के लिए। और बाकी इसमें जब फाइनल हो जाता है फिर उसमें लाइटिंग वगैरह कैसे करते? लाइटिंग तो बनाते समय देखे जैसे कि ये तार सब लटक रहे, स्टिक वगैरह लगी हुई इसमें, तो बनाते समय जो लाइट वाला हमारे साथ रहता है वो अभी गया काम से, तो जिसको जो जो सामान इसमें बनाते तो उसको देते रहते कि इसमें ऐसे ऐसे लाइट लगानी है, तो वो लगा के जला के टेस्ट करके रख देता है वो। और फिर ये जब ताजिया बाहर निकलेगी ये तो फिर जहाँ जहाँ का जैसे ये है वैसे लगा के फिर इसका जो है लाइट की पूरी जो है सेटिंग की जाएगी इसमें। और इसमें इसका ग्लो आता है। Thank you.